Tamil community in Barakveli zone. Barakveli is 45 villages, more than 45. वो सब 45 में से हम लोग यहाँ पे मार्कुलिन सेंटर में एक साथ मिल के आज हम लोग SDO सिविल के पास मेमोरेंडम सबमिट किया है. वो मेमोरेंडम है, एड्रेस किया है श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ असम थ्रू SDO सिविल लखीमपुर. वो एजेंडा जो है, मेन थीम जो है मेमोरेंडम का, अन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी टू बी सेट अप विदाउट फर्दर एडो इन्वॉल्विंग एन IGP रैंक ऑफ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट ऑफ असम और एनी अदर सीनियर पुलिस ऑफिसर इंडिपेंडेंट ऑफ द पुलिस एंड द असम गवर्नमेंट एस एन IO टू रजिस्टर एन FIR एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट द गिल्टी एंड अकॉर्डेंस विद द लॉ. और दो नंबर पॉइंट में है, ऑल द पुलिस पर्सनल एंड अदर्स आइडेंटिफाइड इन द वीडियो बी अरेस्टेड सस्पेंडेड एंड प्रोसिक्यूट इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ. और तीन नंबर पॉइंट में है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पे कॉम्पेंसेशन, द गवर्नमेंट ऑफ असम टू पे कॉम्पेंसेशन ऑफ 1 crore ईच टू द फैमिली ऑफ द डिजीज. और चार नंबर में है, सिंस द डेड बॉडी ऑफ द 3 डिजीज आर स्टिल लाइंग इन द मोरगू to impress upon the Chief Minister, Chief Secretary, State of Mizoram to have the post-mortem done on 3 bodies by doctors from the State of Mizoram for which ये चार लेके हम लोग मेमोरेंडम दिया है. तो 17 तारीख को हम लोग सुना है कि कोचीद्रम थाना के अंदर में वो एनकाउंटर हुआ है. तो पुलिस स्टेटमेंट यहाँ पे है, SP सर का स्टेटमेंट देखिए. ये ऑटो भी है जिन्होंने पुलिस ने मतलब पकड़ा है. और SP सर का स्टेटमेंट मेरा हाथ में है. यहाँ पे क्लियरली लिखा है, फर्स्ट जब ऑपरेशन किया था उन लोगों ने यहाँ पे दो, एक ऑटोमेटिक और एक कारतूस और एक शॉट वाला गन और कुछ बुलेट भी मिला था. तो सेकेंड टाइम में सुबह हम लोग जहाँ पे गया था वहाँ पे और एक ऑटोमेटिक पकड़ा है. उसका बयान का अनुसार यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ कि दो बार मतलब गन पकड़ा है, दो बार ऑटोमेटिक और कारतूस ये सब पकड़ा है. लेकिन फोटो में क्लियरली, ये जो मीडिया है फोटो में क्लियरली दिया हुआ है, देखो इसमें एक साथ दिया हुआ है. जहाँ फर्स्ट टाइम में वो लोग पकड़ा है, फर्स्ट टाइम में ऑटोमेटिक दो है और शॉट है यहाँ पे और एक राइफल है. तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे सुबह में शाम को जो पकड़ा है सब एक साथ में पकड़ा है, मतलब दो बार नहीं पकड़ा है. ये सवाल है कि हम लोग जो शाम को मतलब फोटो में कह लिया हुआ है मतलब सुबह में नहीं पकड़ा है. SP सर का बयान यहाँ पे एक सवाल उठाता है कि पुलिस कस्टडी में ये 3 आदमी मरा हुआ है. तो हम लोग ये समझते हैं कि पुलिस कस्टडी में एक्सीडेंट हो, मर्डर हो, जो भी हो, पुलिस के पास जाने के बाद सेफ्टी होता है, सेफ्टी मिलता है, सबको सांत्वना मिलता है, हम बच गया है. हाँ, नियम का अनुसार, कानून का अनुसार, लॉ का अनुसार, IPC का अनुसार, CRPC का अनुसार में हम लोग ये न्याय मिलेगा, ठीक है. उसके बाद हाँ, सुबह ये तीनों मर गया कस्टडी में. जो भी हो कस्टडी में मतलब मरने का सवाल ही नहीं. ये ह्यूमैनिटी ग्राउंड है, ये कम्युनल नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है. क्योंकि जो कोई भी आदमी हो, जो कोई भी कम्युनिटी हो, वो लोग को रेस्पेक्ट करता है, लोगों पे बिलीव करता है, लोगों का अनुसार में न्याय मिलेगा. तो ये हम लोग सवाल उठाता है कि उन लोग का ऊपर में एक सख्त से सख्त मतलब जुडिशियल इंक्वायरी बैठाना चाहिए हायर कमीशन से. यही हम लोग का मतलब रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से. और यहाँ पे पोस्टर बैनर में आप लोग दिखाए, वी सपोर्ट गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट, बट वी कंडेम कस्टडियल. ये हेमंता बिश्व शर्मा जी को हम लोग अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिलीव करता है. कौशिक जी को हम लोग बिलीव करता है, वी सपोर्ट गवर्नमेंट, बट ये कंस्टिट्यूशनल डेट हम लोग हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. हरगिज़ हम लोग का दिल और माँ बहन और भाई लोग
हम लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं। अभी भी डेड बॉडी मुरगू में है, एसएमजीसी सिलचर में। अभी मतलब जब तक हकीकत हम लोग एफआईआर दिया हुआ है उसका फैमिली की तरफ से, वो एफआईआर जब तक रजिस्टर नहीं होगा और जब तक इंक्वायरी नहीं बैठेगा, मतलब फैमिली लोग का ऊपर में है लेगा कि नहीं, यह सवाल नहीं उठा सकता, हम लोग ये कन्फर्म नहीं दे सकता। आज का क्या क्या आपका प्रोग्राम था? आज का ये प्रोग्राम था कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठा करके एक साथ में लाइन बना करके लाइन अप करके मोर देन 45 विलेजेस है मार कम्युनिटी का कचार में, वो सब इकट्ठा करके हम लोग सीएम सर से मेमोरेंडम दिया है एसडीओ चू सिविल एसडीओ लखीमपुर। रैली वैली कुछ था आज का प्रोग्राम में? ऑफिशियली हम लोग रैली मांगा था लेकिन परमिशन नहीं दिया, इसलिए पारखोली का अंदर में हम लोग लाइन अप कर रहा है। आप लोगों का डिमांड क्या है, प्रैक्टिकल डिमांड क्या है? डिमांड एक नंबर में ये है कि मतलब आईजी लेवल का बड़ा ऑफिसर का रैंक बाहर से ये पुलिस पर्सनल लोग ऊपर में इंक्वायरी करने के लिए बैठाया जाए, और एक नंबर है। दो नंबर है असम गवर्नमेंट की तरफ से उन लोग का फैमिली को 1 करोड़ एक जन को मतलब कॉम्पनसेशन एक्सप्रेस किया देना चाहिए, कोई डिमांड नहीं। अभी डेड बॉडी कहाँ है, आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया? मॉक में है एसएमसी एक्सेप्ट। आपका जस्टिस जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये उन लोग का फैमिली ने मतलब पेटिशन दिया है इसी साल से, उन लोग का फैमिली ने पेटिशन दिया है कि कुछ देर 2-3 दिन और मतलब मुर्गू में रखने के लिए, क्योंकि एफआईआर दिया हुआ है कानून का हिसाब से इंक्वायरी चल रहा है, वो इंक्वायरी जब तक नहीं होगा मतलब फैमिली के ऊपर में जीता है। केस अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ? केस अभी तक हम लोग का लखीमपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दिया हुआ है लेकिन कोचीद्रम थाना में पास किया है। अच्छा अच्छा, अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ। अच्छा, मेमोरेंडम का कॉपी दे सकेंगे आप? सब ठीक है, हम सबको देगा, मीटिंग करके हम दे देंगे। कोई सवाल? माँ का तरफ से और बहन का तरफ से हम लोग बहुत दुखी है सर। वी आर फीलिंग वेरी पेन दैट आवर 3 सन आवर 3 ब्रदर आर बैक एनकाउंटर बाय कचुदरम पुलिस। सो फॉर दैट वी डिमांड जुडिशियल इंक्वायरी टू कचुदरम पुलिस स्टेशन, दैट वी नीडेड, वी डिमांड इट शुड बी डन, जुडिशियल इंक्वायरी शुड बी डन। First thing, everything we have seen in the video. यहाँ पे भी video भी है, ऑटो का अंदर में वो तीनों बैठा हुआ है। उसी टाइम दे आर नॉट वेयरिंग एनी यूनिफॉर्म, दे आर वेयरिंग अ सिविल ड्रेस। मरने के बाद कहाँ से वो ड्रेस आया, कहाँ से वो यूनिफॉर्म आया, किसने पहनने दिया?